यहाँ पर ओबीसी को 3.40 आरक्षण दिया गया और एससी को सिर्फ 16% आरक्षण दिया गया। उन लोगों ने वहाँ पर भी आना हमारा हनन किया और यहाँ पर भी हमारा हनन कर रहे हैं। ये बीजेपी की जो सरकार है जो मतलब दिखावा करती है कि हम पिछड़ों और दलितों के साथ हैं, लेकिन पीछे से उनका पूरा आरक्षण खाती हुई जा रही है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है, हम भी हिंदू, हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदुत्व की भावना कहाँ है उनके अंदर, आप ये बताइए। जब चुनाव आते हैं तो सारे हिंदू हिंदू हैं। अगर जाति की समीकरण पर आप देखने जाओ, अगर आप कभी भी जाना किसी भी कार्यालय में, सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा आप किस समाज से हो, किस जाति से हो, किस वर्ग से हो। अगर हिंदुत्व की वाली भावना अगर सरकार के पास होती तो 69 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ 800 का एससी दलितों के साथ, वो देखने को नहीं मिलता। इस भर्ती में एससी का और ओबीसी के लोगों का हनन हुआ है और उनकी जगह पर 2 साल से जनरल के लोग नौकरी कर रहे हैं। गेम चेंज किए हैं और ये गेम इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो सीधा सीधा जनरल कास्ट के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है आप? अनिल कुमार सर। अनिल भाई, बताएंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है उसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्या लगता है आपको और पूरा मामले को आप कैसे देख रहे हैं? आप भी एक अभ्यर्थी हैं। ठीक सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं एक जो अभी जो नई लिस्ट आई थी 6,800 की, उसमें एक मैं मतलब मेरा नाम था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब चुनाव थे 2022 में तो आदित्य योगीनाथ जी ने एक लिस्ट निकाली 6,800 की। उन्होंने बोला कि मतलब दलितों का और पिछड़ों का हनन हुआ है। ठीक है, उन्होंने 6,800 की लिस्ट निकाली और निकालने के बाद उन्होंने कहा कि हम 5 जनवरी को लिस्ट निकालने के बाद उन्होंने बोला कि हम इनको ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई, ज्वाइनिंग हम लोगों को मिल नहीं पाई। ये मामला खींचते खींचते ये लोग कोर्ट में लेके गए। 3 दिसंबर को मामला हमारा रिजर्व हो गया। उसके बाद 13 फरवरी को मतलब हमारा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में ये आया कि उन्होंने कहा है कि जो मामला है जो 6,800 जो सीटें हैं उन्होंने कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई और उन्होंने बोला कि ये दोबारा से रिविजिट किया जाए, सारा सा 69 टीचर जो भर्ती है दोबारा से रिविजिट करी जाए उसमें। और उन्होंने ATRE का जो दोहरा आरक्षण वाला जो नियम जो लागू किया है वो गलत है क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जनरल के लोगों को होगा, क्योंकि उन्होंने जो 90-96 बीच में जो मार्क जो रखा है वो कि गलत है, क्योंकि अगर गुणांक के आधार पर जो भर्ती हुई थी, अगर किसी के भी मतलब कैटेगरी वाइज देखा जाए, जैसे 90-96 बीच में एससी और ओबीसी लोग आ रहे हैं, अगर इनका गुणांक अगर जनरल की कैटेगरी को पार कर रहा है तो इन्हें जनरल में जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनने बोला अगर जिसके मार्क्स 97 होंगे वो जाएगा जनरल में, जो कि गलत है क्योंकि किसी भी खेल के नियम बीच में चेंज नहीं होते, लेकिन इन्होंने बीच में गेम चेंज किए हैं और ये गेम इसलिए चेंज किया है क्योंकि जो सीधा सीधा जनरल कास्ट के लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इस भर्ती में एससी का और ओबीसी के लोगों का हनन हुआ है और उनकी जगह पर 2 साल से जनरल के लोग नौकरी कर रहे हैं। और इन्होंने कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर जो कार्यरत जो टीचर हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, अगर बाई चांस वो निकल भी जाते हैं तो उनको किसी द्वारा उन्हें दोबारा से नौकरी पे रखा जाएगा, मतलब अपनी कैटेगरी में ही सीमित करके रख दिया है। हाँ, अपनी कैटेगरी में सीमित करके रख दिया, कितने भी नंबर आए हों लेकिन आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे, जो कि ये गलत है। इन्होंने सीधे सीधे संविधान का जो है 22% में रह गए, जो SC ST हैं और जो OBC हैं वो 27% में रह गए। बिल्कुल, लेकिन 27-21% भी नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर OBC को 3.40 आरक्षण दिया गया और SC को सिर्फ 16% आरक्षण दिया गया। उन लोगों ने वहाँ पर भी हमारा हनन किया और यहाँ पर भी हमारा हनन कर रहे हैं। ये बीजेपी की जो सरकार है जो मतलब दिखावा करती है कि हम पिछड़ों और दलितों के साथ हैं, लेकिन पीछे से उनका पूरा आरक्षण खाती हुई जा रही है, जो कि गलत है। हमारे समाज के लोगों को जागना होगा और एक सही तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए इस पे कार्य करना होगा। और मैं यही मतलब न्यूज़ नेशन टाइम्स से चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। एक बात बताइए मुझे कि इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप जैसे लोग आप आए हैं सामने निकल कर, और भी आप जैसे लोग होंगे, तो इस पर क्या आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्या तैयारी है उनकी? रूपरेखा ये चल रही है कि हमारे जो मित्रगण हैं जो लखनऊ इको गार्डन में बैठे हुए हैं, उनके कहने का मतलब है कि हम ये मामला अपना डबल बेंच में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल बेंच में हमें तो न्याय मिला नहीं है, तो वहाँ जाके देखो शायद उम्मीद है न्यायपालिका पर, हमें पूरा विश्वास है संविधान पर, हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे, मतलब कोर्ट का रास्ते खटखटाएंगे। सरकार हमारे साथ नहीं है क्योंकि गलती सरकार ने की है, यहाँ बच्चों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती सरकार की है और सरकार ने अपना कलंक हटाने के लिए इन्होंने संविधान पे डाल दिया, सारा कोर्ट पे सारा डाल दिया, सारा मामला जज के ऊपर डाल दिया है, जो कि गलत है।
तो क्या लगता है आपको कि वाकई जो सरकार कह रही है वो सही है, संविधान में इसी तरह की प्रक्रिया है कि रिजर्व कैटेगरी में कि एससी एसटी के लोगों को रिजर्व कैटेगरी में और ओबीसी के लोगों को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाए, उससे आगे उन्हें कोई अधिकार नहीं है? नहीं, अगर एससी या मतलब ओबीसी का आदमी अगर जनरल कैटेगरी फाइट करता है उसको जनरल में जो जगह मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती, वो ये चाहती है नहीं आप अपनी कैटेगरी में रहिए। तो आप हमें बताइए जो 85% जो लोग हैं एससी और ओबीसी के लोग, उन्हें 27 और 21 में बांध के रख दिया, और जो 50% आरक्षण है वो टोटल 15% के लोगों को दिया जा रहा है, जो सही है कि गलत आप बताइए? क्यों लगता है आपको ऐसा कि इस सरकार, इसके पीछे क्या लगता है, क्या मानसिकता हो सकती है सरकार? सरकार की मानसिकता है कि जनरल के लोगों को आगे बढ़ाना, क्योंकि सत्ते में कभी कभी आती है। तो 15% लोग हैं वो, तो 15% उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो अपने लोगों के खिलाफ तो रिजल्ट देंगे नहीं। कोई सा भी रिजल्ट देख लीजिए आप, यूपी में एक भर्ती पे घोटाला थोड़ी हुआ, कोई भी भर्ती आप खगोल के देख लीजिए सारी भर्तियों में घोटाला हुआ है, आरक्षण घोटाला। धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देंगे वो। इसके क्या परिणाम रहेंगे फिर आगे? परिणाम क्या होगा, हम सड़क पर आएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे, अपने समाज के लोग हैं आपको सुनेंगे, आपके नेता जो एमएलए हैं सांसद हैं वो सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे, जब वो आते हैं फील्ड में चुनाव के समय पर वोट मांगने लिए, जब हम उनकी सुनते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हमारी नहीं सुनेंगे हमारे समाज के लोग, तो हम भी उनको नहीं मानेंगे आगे चल के। सदन में तो वो बोले नहीं है, अभी दोनों सदन चल रहे हैं। नहीं बोले हैं सदन में, सब बोले हैं। किसने बोला है? अखिलेश यादव जी ने बोला है, ठीक है, और भी है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये चक्कर। तो अब क्या लगता है आगे कि इस तरह अगर सरकार का रवैया रहेगा, और सरकार जिस तरह से अपने आप को हिंदूवादी सरकार, और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो मतलब ये तरह से उन्होंने लागू भी कर दिया है, जिस तरह से कहा है कि अब जो नवरात्र आएंगे उसमें एक बजट पास किया गया है और डीएम और एसएसपी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है उन तमाम नवरात्रों में व्यवस्था को विस्थापित करने की, क्या कहेंगे आप? देखो राष्ट्र बन रहा है, दिक्कत देखो ऐसा है, बीजेपी सरकार कहती है कि हम एक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, हम भी हिंदू, हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदुत्व की भावना कहाँ है उनके अंदर, आप ये बताइए। जब चुनाव आते हैं तो सारे हिंदू हिंदू हैं, अगर आप अगर जाति के समीकरण पर आप देखने जाओ, अगर आप कभी भी जाना किसी भी कार्यालय में, सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा आप किस समाज से हो, किस जाति से हो, किस वर्ग से हो। अगर अगर हिंदुत्व की वाली भावना अगर सरकार के पास होती तो 69 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ 800 का एससी दलितों के साथ, वो देखने को नहीं मिलता, हिंदुत्व कैसे बन जाएगा? जब आप दलितों को सम्मान नहीं दोगे, पिछड़ों को सम्मान नहीं दोगे, हिंदू कैसे बन जाएगा? 15% हैं जनरल के लोग, पहले भी जनरल के लोग थे, जब मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, तब कहाँ चले गए थे लोग, आप हमें बताइए, हैं? तब भी दलित लड़ाता और ओबीसी लड़ाता, जब तक इन लोगों को आप साथ लेके नहीं चलोगे, इन्हें सम्मान नहीं दोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, हिंदुत्व नहीं बन पाएगा ऐसे। ठीक है, थैंक यू सर। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।